नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम फिर प्रोफेसर सत्यजीत रथ के साथ चर्चा करेंगे हमारी जो इस वक्त COVID-19 के महामारी दुनिया और देश पे है। सत्यजीत, अगर आंकड़ों को देखें, कुछ तो सहूलियत की बात है कि बड़े शहरों में जैसे कलकत्ता, मुंबई और दिल्ली, वहां पर जितने तेजी से आंकड़े आगे गए थे उससे काफी तेजी से नीचे भी आ रहे हैं, तो और कुछ शहरों में अभी भी, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये शहर शहर की बात है, क्लस्टर्स की बात है, वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से आंकड़े आगे जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए आपको इस वक्त जो ओमिक्रॉन की जो वेव है इस वक्त, उसको देखते हुए क्या लग रहा है कि बहुत लंबा चलने वाला है या शहरों में आएगा, जल्दी जाएगा और इसके बाद दूसरे शहरों में भी आएगा जाएगा, इस तरह चलेगा? तो इसको क्या लगता है कि इसके बारे में हम इस ओमिक्रॉन की जो वेव के बारे में क्या कह सकते हैं? प्रबीर, इसको लेकर अपन ने दो तीन मुद्दे ध्यान में लेने चाहिए। पहला तो ये है कि अपन जो जांचें करते हैं वायरस के लिए, वो जितनी ज्यादा करते हैं उतने ज्यादा संक्रमण के आंकड़े दिखाई देंगे। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ आंकड़ों के आधार पर अपन ने कोई बात सोचनी नहीं चाहिए, उसके साथ साथ जांचें कितनी करी गई हैं और स्थानिक स्तर पर जांचें कितनी करी गई हैं और उनमें पॉजिटिविटी का दर क्या है, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट TPR जिसे कहते हैं, वो कितना है, इस पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। लेकिन बजाय इसके, आप जो कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई आंकड़ों से दिखाई दे रही है कि दिल्ली में, मुंबई में और किसी हद तक कलकत्ते में धीरे धीरे जो बढ़त है उस पर रोक लगी है और वो आंकड़े कम होने लगे हैं। ये हुई पहली बात। दूसरी बात ये कि ये देश भर की बात नहीं है, ये सिर्फ इन तीन शहरों की बात है। वैसे सोचिएगा तो बाकी शहरों में, जैसे कि चेन्नई में, पुणे में या बेंगलोर में मसलन आंकड़े अभी भी बढ़त में ही है। इसी के साथ साथ ये भी देखें कि छोटे छोटे गांव शहरों में, जिसे टीयर टू सिटीज कहते हैं, वहां तक तो अभी अभी आंकड़े बढ़ने की संभावना खड़ी हो आई है। तो इसका मतलब ये है कि एक देशव्यापी लहर आई और गई, ऐसा नहीं होना है। ये शहरों शहरों में, गांव गरौंदों में, इलाके इलाके में, स्थानिक स्तर पर आंकड़े बढ़ेंगे, नीचे जाएंगे। अब इस रफ्तार से एक स्थानिक जगह से दूसरे स्थान पर संक्रमण जाएगा और वहां पे आंकड़े बढ़ने लगेंगे, ये मॉडलर वैज्ञानिक जितना भी कहें आसानी से और निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। और इस पर निर्भर करता है कि कितने हफ्ते महीनों तक ये ओमिक्रॉन नस्ल का दौर चलेगा। तो लेकिन ये हफ्तों महीनों की बात दिखाई दे रही है और जगह जगह एक स्थानिक लहर आएगी और जाएगी, जगह जगह पर स्थानिक लहरें आने और जाने का दौर अब दिखाई दे रहा है। और आखिरी बात यह है कि संक्रमण के आंकड़े, इन्फेक्शन के आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, लेकिन क्या उसके साथ साथ अस्पताल में दाखिल होने वाले और जिन्हें खास शुश्रूषा की जरूरत है, ऐसे लोगों की संख्याएं भी बढ़ रही हैं? तो बढ़ रही हैं अलबत्ता, लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ी हैं जितनी तेजी से संक्रमण के आंकड़े बढ़े हैं। ये भी किसी हद तक एक आशा की बात है। और उसी के साथ साथ जोड़ के मैं और एक आखिरी मुद्दा करना चाहूंगा, वो ये है कि जैसा कि साउथ अफ्रीका में दिखाई दिया था, जैसा कि बर्तानिया में दिखाई दिया था, जैसा कि अमेरिका में दिखाई दिया है, वैसा ही किसी हद तक भारत में दिखाई दे रहा है। और वो ये है कि अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार कोविड के मरीज आज जो पहुंच रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा बहुमत कहें तो टीका बिल्कुल ना मिले हुए लोगों का है। इसका मतलब यह है कि पिछले साल का जो टीकाकरण है
उससे आज की ओमिक्रॉन नस्ल से पैदा होने वाली गंभीर बीमारी पर कुछ हद तक रोकथाम लग सकती है और इसलिए टीकाकरण अभियान का जारी रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके साथ साथ दो चीज निकल के आती है, एक आपने जो कहा कि ओमिक्रॉन नस्ल काफी हद तक तेजी से बढ़ता है इसके बाद घटता है, पर उसके साथ साथ वैक्सीन अगर होता है तो सीरियस केस नहीं बनता है। तो ये जो चीज है इससे ये निकल के आता है कि ये जो इम्यूनाइजिंग प्रॉपर्टीज हमारे वैक्सीन के जरिए है, हालांकि लोग कहते हैं कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज टी सेल्स, तो ये बड़े पेचीदा मामला हो जाता है, आप लोग ये बता सकते हैं, पर हमारे लिए जो आम श्रोता दर्शक है उनके लिए ये है कि अगर वैक्सीन होता है तो संक्रमण हो सकता है पर सीरियस केस होने का चांस कम हो जाता है और ये इम्यूनिटी बॉडी में शरीर में पैदा होती है। ये इस वक्त निकल के आ रही है क्योंकि जो सीरियस केसेस यूरोप में यूके में यूएस में दिखा गया है उससे ये निकल के आता है कि वैक्सीन जिन्होंने एकदम नहीं लिया है उनका संख्या अगर रेशियो देखा जाए तो उनका संख्या काफ़ी ज़्यादा रेशियो में है आईसीयू में या सीरियस केसेस एकदम जो है उसमें है। तो ये आशा का किरण ये है कि आता है जल्दी जाता है ये एक, और दूसरी बात ये कि अगर टीकाकरण हुआ है और टीकाकरण देश में अभी भी कुछ परसेंटेज लोगों को नहीं हुआ है, दो टीका डोज मिलने वाले संख्या अभी भी करीब मेरे ख्याल से 35% अभी भी नहीं हुआ है, एक डोज 80% के लगभग पहुंच गया है, पर ये अभी भी हमारे पास ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि सेकेंड डोज सबको लगे और उसके साथ साथ बूस्टर डोज की भी बात हो रही है, हालांकि इस वेव के दौरान होने का शायद संभावना बहुत कम है। सत्यजीत, इस बारे में आपको एक और पूछना चाहेंगे कि जो बच्चों की अभी भी टीकाकरण की बात हुई है सिर्फ 15 साल तक, क्या उसको 12 से 15 को भी कर देना चाहिए? तो अब सरकार कैसे सोचती है ये तो खुद सरकार ही जानती है, अपन आम जनता क्या जाने, लेकिन एक तरीके से देखे तो जो अनुमति मिली है वो 12 से 18 की उम्र के गुट के लिए मिली है, लेकिन टीके जो दिए जा रहे हैं वो 15 से 18 के लिए दिए जा रहे हैं। अब आज हम सब ने अखबारों में पढ़ा कि 15 से 18 वाले गुट में आधे बच्चों को पहली मात्रा मिल चुकी है टीके की, तो मुझे लगता है कि ये सरकार जैसे एक एक क्षेत्र क्षेत्र लेकर टीकाकरण कर रही है कि पहले 15 से 18 का टीकाकरण करे, फिर 12 से 15 का करे, तब तक हो सके 12 से कम उम्र बच्चों के लिए इजाजत मिल जाए और अगर क्यों हो तो 8 से 12 वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सरकार के लिए प्रशासनिक सहूलियत का मसला है, वैज्ञानिक मसला मुझे नहीं लगता। वैज्ञानिक मसला तो ये है कि टीकाकरण जितना सर्वदूर पहुंचना चाहिए। तो ये जो बातें की जा रही है कि कोवैक्सीन बच्चों को दी जाए और कोविशील्ड दूसरों को दी जाए, ये भी क्या प्रशासनिक मामला है, वैज्ञानिक मामला नहीं? ये सारे किसी हद तक प्रशासनिक मामले हैं, क्योंकि एक और ये है कि टीके जितने भी सुरक्षित हो सोच में, असल में ठोस सबूत सुरक्षा का जांच करके मिलना चाहिए हर एक गुट में, हर एक उम्र वाले गुट में। अब क्या ये जांचें छोटी छोटी होती हैं, 2-4 महीनों की जांचें होती हैं, क्या ये जांचें शुरू करी गई हैं, क्या वो ठीक तरीके से पूरी की गई है, क्या उन पे प्रशासनिक व्यवस्था ने सोच विचार करके इजाजत दी है, ये सब सारे एक तरह से प्रशासनिक मामले हैं और इन्हीं मामलों के चलते चलते टीकाकरण अभियान की दिशाएं बदलती जाएंगी जहां तक मेरा मानना। 9 महीने की 39 वीक्स की जो गैप दी जा रही है ये भी प्रशासनिक मामला ही है, इसमें कोई वैज्ञानिक बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रवीर, ये भी बिल्कुल प्रशासनिक व्यवहार का मामला है। आसानी होती है प्रशासन के लिए टीकाकरण अभियान में और इसलिए इस तरीके के अंतर रखे गए हैं, उन अंतरों में कोई वैज्ञानिक ना कोई अड़चन है और ना कोई जरूरत है।
यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं दर्शकों से कि क्या 30 हफ्तों या 35 हफ्तों बाद और एक टीके की मात्रा दी तो काम नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। क्या 45 हफ्ते बाद दी तो काम नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। तो 49 हफ्तों का अवधि प्रशासन ने क्यों रखा है? वो कोई ऐसे वैज्ञानिक कारण के लिए नहीं रखा कि 38 ना चले, 40 ना चले, 49 चले, ऐसे कोई सबूत है? ऐसी कोई बात नहीं है, टीके की मात्राएं काम करेंगी। तो इसलिए ये व्यवहार का, प्रशासनिक सुविधा का मामला है। टेस्ट जो हटाई गई है, ये करीब ICMR का एक निर्देश था कि अगर आपके पास सिम्टम नहीं है तो आप टेस्ट ना करें। और जिसके बाद देखा हमने दिल्ली में ICMR का वजूहात कहे, कोई भी चीज कहे, उसके बाद टेस्ट का फिगर्स काफ़ी कम हो गया और पॉजिटिविटी रेशियो बढ़ गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि अभी पॉजिटिविटी रेशियो भी नीचे आ रहा है, इसका मतलब टेस्ट की संख्या बढ़ती तो शायद पॉजिटिविटी रेशियो और नीचे आती। पर यह प्रशासनिक है या वैज्ञानिक है ये बात कहना कि अगर आपके पास सिम्टम नहीं है तो अगर आप किसी के साथ रहे हैं जो इसका कोविड कन्फर्म है फिर भी आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, आपके पास सक्षम अगर सिम्टम ना हो तो। तो प्रवीर आप सवाल पूछ रहे हैं और फिर मुझे कोसेंगे कि सत्यजीत तुम बस दर्शकों को छोटे छोटे पेचों में उलझाते रहते हो। लेकिन इसमें दर्शकों ने दो बातों के को लेकर सोचना चाहिए। एक तो बात यह है कि जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है तो संक्रमण इतने व्यक्तियों तक पहुंचा है कि हर एक व्यक्ति को जांच करके पहचान के उन दफ्तर में उनकी नोंद करवाना ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो एक तरीके से जो सरकारें, सिर्फ हिंदुस्तान, सिर्फ भारत की सरकार नहीं और भी सरकारें कह रही हैं कि आंकड़े पूरे के पूरे गिनने की कोशिश अब छोड़ दें, इसमें कुछ हद तक वैज्ञानिक तथ्य है। ये हुई एक और की बात। लेकिन दूसरी ओर की बात यह कि आप जहां रहते हैं उस स्थानिक स्तर पर, उस इलाके में क्या इतनी जांचें हो रही है कि एक सही नजरिया कि कितना संक्रमण इलाके में हो रहा है, ये सही नजरिया ठोस सबूत के आधार पर सामने आए, उतना जांचों का आंकड़ा स्थानिक स्तर पर होना चाहिए। क्या वो हो रहा है? ये हमने अपने अपने इलाकों को लेकर पूछने वाली बात है। पर मेरा तो इस पे यह विचार होगा कि टेस्ट की संख्या, जब नंबर्स बढ़ रहे हैं तब टेस्ट की संख्या कम करना मुझे लगता उचित नहीं है किसी भी वजह से, चाहे वो व्यवहारिक तौर पे हो या वैज्ञानिक तौर पे हो। मैं इसी बात पे इसको खत्म करता हूँ, नहीं तो लंबा चला जाएगा इसी इन छोटे छोटे बातों में अगर उलझ जाए। आते हैं दवाइयों पे। अब बहुत सारे और भी दवाइयों की बात हो रही है, तो हमारे यहाँ तो बैरिसिटनिब की अब बात हो रही है, इसको इजाज़त तो मिल चुका है पर ये अस्पताल के लिए है, आप पहले कह चुके हैं। और मोलनुपिराविर की बात हो रही है, नहीं तो पुराने दवाइयाँ जो हैं जो पहले से हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें लगता है अब उस तरह की क्राइसिस नहीं जो पहले थी। और जो मैं कहूँगा गलत इस्तेमाल हो रहा था ख़ास तौर से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की, जिस वजह से ब्लैक फंगस की भी बात आई थी और उसके साथ साथ एंटीबायोटिक भी बड़े धरले से दी जा रही थी जब वायरल फेज था, जहाँ पर उस वक्त कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत सिर्फ नहीं कोई उपयोगिता नहीं था। इन सब बातों को लेके आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि क्या इस वक्त की स्थिति है, कैसे हम पहले से बेहतर है इस वक्त दवाइयों के हिसाब से? जी बिल्कुल। मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि पिछले साल डेढ़ साल में अपन दो तरीके की दवाइयों को लेकर बात करते आए हैं। एक है जो विषाणु की वायरस की बढ़त को, वायरस के प्रजनन को रोकती है, जिसमें है रेमडेसिविर जो पिछले डेढ़ साल से अपन ने सुनी हुई चीज है, और अभी हाल में जिसे इजाजत मिली है भारत में वो है मोनोपिराविर, और जिसे अभी तक इजाजत नहीं मिली लेकिन जो चर्चे में है वो फाइजर की दवा है पैक्सलोविड। ये सारी वायरस की बढ़त को रोकती है। तो वायरस की बढ़त को रोकना
बीमारी के बिल्कुल शुरुआती वक्त में काम आता है, यानी कि पहले 48 घंटे समझ लीजिएगा लक्षण शुरू होने के बाद। इसमें लक्षण शुरू होने के बाद पहले दो दिन में अपन तो इंजेक्शन लेने की कहीं पहुंच नहीं सकते, तो इसलिए रेमडेसिविर का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि रेमडेसिविर इंजेक्शन से ले सकते हैं। रही बात मोलनुपिराविर और पैक्सलोविड की, जिसमें पैक्सलोविड अभी इजाजत प्राप्त है नहीं, तो रही बात मोलनुपिराविर की जो कुछ हद तक मिल रहा है। मोलनुपिराविर की परेशानी ये है कि ये आसानी से ले लें, कोई दुष्परिणाम नहीं है, ऐसी दवा नहीं है। एक उदाहरण दूं तो गर्भवती महिलाओं के लिए मोलनुपिराविर निषिद्ध है, क्योंकि मोलनुपिराविर चूंकि आनुवंशिक प्रणाली की नकल बनाने की प्रक्रिया पर काम करता है, यानी कि डीएनए आरएनए की कॉपिंग की प्रक्रिया पर काम करता है, तो इसलिए हो सकता है कि उसके बदन के अपने डीएनए के नकल बनाने की प्रक्रियाओं पे भी कुछ परिणाम हो सकते हैं। तो इसलिए मोलनुपिराविर की दवा अब आप ले लें प्रवीर, मैं ले लूं, तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, गर्भवती महिलाओं के लिए उस तरीके की दवाएं निषिद्ध है, तो इसलिए मोलनुपिराविर, जैसे कि अपनी आदत है कि दवाइयों की दुकान में चले जाओ और दवा खरीद के ले आओ और लेने लगो, वैसी दवा मोलनुपिराविर है नहीं। हो सकता है पैक्सलोविड जो फाइजर की है, जिसे अभी तक अनुमति नहीं मिली, वो वैसी दवा हो, लेकिन वो अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं है। ये हुई विषाणुओं को रोकने वाली दवाओं की बात। इनके अलावा सौम्य बीमारी के लिए अपन जो पैरासीटामोल लेते हैं, आइबुप्रोफेन लेते हैं, भांप लेते हैं, इस तरह की जो उपाय करते हैं, ये उपाय तो चलने ही हैं, लेकिन इसको आगे बढ़ाकर जब बीमारी इस हद तक पहुंच जाए, सांस चलने लगे या इस तरीके की बातें होने लगे जो कोविड के बारे में सुपरिचित है, आप अस्पताल पहुंच जाओ, तो अस्पताल पहुंचने की जब नौबत आती है, तब शरीर में जो प्रदाह होता है, जो इन्फ्लेमेशन होता है, उसे रोकने वाली दवाएं काम आती है। वो वायरस की बढ़न पे कोई असर नहीं देती, लेकिन प्रदाह को कम करती है। इस प्रदाह को कम करने वाली दवाओं में कार्टिकोस्टेरॉइड जैसी दवाएं, जैसे प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन वगैरह वगैरह, वो काम आती हैं, मुंह से ले सकते हैं, डॉक्टर उसका इस्तेमाल करते आए हैं अस्पतालों में, और बिल्कुल मामूली दाम है उनके। इनको इसी तरीके की और दवाओं के पर्याय भी मौजूद हैं, जो पिछले साल अपन ने बात करी थी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वाली दवाओं को लेकर। इस साल भी जो आप जिक्र कर रहे हैं, जिसे पिछले हफ्ते भर में WHO ने अनुमति दी है, सोट्रावीमेब या सोत्रोवामेब, तो ये ऐसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो ना घर की है ना घाट की है, जो वायरस की बढ़न को रोकने वाली मोनोक्लोनल्स हैं। वो जरूरत कब है? सौम्य बीमारी में है, वहां पे इंट्रावीनस दवाएं लेने की कोई गुंजाइश तो है नहीं। जब अस्पताल पहुंच जाओ तो वो वक्त बीत चुका होता है जब एंटीवायरल दवाओं का उतना बड़ा प्रयोजन नहीं होता। लेकिन ऐसी भी मोनोक्लोनल्स हैं जो शरीर के प्रदाह को कम करती हैं, तो टोसिलिजुमैब वगैरह जैसी, वो बहुत महंगी है, बहुत यानी बहुत ही महंगी। इसी तरीके की नई दवाएं बैरिसिटिनिब जैसी आप बात कर रहे हैं, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों को परिचित है, वो भी उतनी कम दाम वाली दवाएं नहीं है। लेकिन ये सारी दवाएं अस्पताल पहुंचे मरीजों के लिए हैं, और इस चित्र में पिछले साल से इस साल तक बहुत कुछ बदला नहीं है, सिवा ये कि मोलनुपिराविर और पैक्सलोविड वाली दवाएं थोड़ी थोड़ी अब आने की कोई गुंजाइश है। इटोलिजुमैब काफी इस्तेमाल हो रही थी टोसिलिजुमैब के जगह पे, और वो क्यूबा की बनी हुई दवाई है जो मेरे ख्याल से यहाँ पर बायोकॉन उसको बनाती है, तो उससे भी एक फायदा होता है, वो सस्ता है काफी टोसिलिजुमैब के जगह पे, किसी हद तक सस्ता तो है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि टोसिलिजुमैब की उपयोगिता कितनी है,
इस पर भी जो जांचें करी गई है उससे बहुत बड़े फायदे के आंकड़े सामने नहीं आए, कुछ हद तक फायदा है। तो इसलिए ये बात बेहतर है कि जहां इंटेंसिव केयर यूनिट में मरीज दाखिल हो, इंटेंसिव केयर के डॉक्टरों के सलाह मशवरे से बात आगे चले, ना कि अपन इस तरीके के चर्चा बहस में से। न्यूज क्लिक के सुन के, सत्यजीत को सुन के, मेरे को सुन के, खास तौर से आप लोग दवाइयों के इस्तेमाल ना करें। अगर पैरासिटामॉल है तो जरूर करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद अगर है तो जरूर डॉक्टरों के पास जाइए। तो ये सत्यजीत को कहना है, मैं इसको इसीलिए दोहरा रहा हूँ कि बाद में हमारे ऊपर कोई आरोप ना लगाए कि हम यहाँ बैठ के डॉक्टरी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, और थोड़ी सी खुशखबरी है कि उस तरह की क्राइसिस में शायद हम नहीं पड़ेंगे जो पिछले बार डेल्टा से हम पड़े थे, और शायद थोड़ी सी हम इस रास्ते पे जा रहे हैं कि अस्पताल के सिस्टम को इतना ये बिगाड़ेगा नहीं जो डेल्टा का वेव ने बिगाड़ा था, इतना तक हम कह सकते हैं। पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ये नहीं कि इस पर आप बड़े हर्ष से आप जो है पार्टियां करें, ये उस वक्त की स्थिति, इस वक्त की स्थिति ये नहीं है। आखिरी बात अगले बार करेंगे सत्यजीत के साथ कि एंडेमिक बीमारी, ये सब जो बातें हो रही है, फ्लू फिर वापस आया है और कहा जा रहा है कि 6 लाख से 10 लाख लोग इससे बीमार पड़ सकते हैं। तो ये एंडेमिक और पैंडेमिक में फर्क क्या है, आपके साथ बात करना चाहेंगे अगले बार। धन्यवाद सत्यजीत हमारे साथ में होने के लिए और इन सब चीजों पे चर्चा करने के लिए।